महंगा पड़ा कि मोदी को टारगेट आदानी को समालोचनार परिणाम भोगिले कि महुआ प्रश्न लांच ने मामलें फसवा पर शुक्रवार लोकसभा सदस्यता सांसद पद हर टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा से लांच नहीं प्रमाणित होनी सफाई तेणु लोकसभा से जो आधार बहिष्कृत होती बेआईन कही केन्द्र मोदी सरकार को टार्गेट कर कट्टर बीजेपी विरोधी यह नेत्री एवं पद हर राजनीति जोरदार आरंभ प्रसंगे जदिव टीएमसी सुप्रिमो नीरव रोते कि महुआ समर्थन में ढड़ा होती सदाचार कमिटी रिपोर्ट आधार में कृष्णनगर सांसद को अयोग्य घोषणा कर विरोध में आईनगत कार्यानुषान परामर्श दि जाए लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला सदाचार कमिटी रिपोर्टर समीक्षा करने महुआ को सांसद पदर बरखास्त कर The ethics committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. Jab nash manush par chhata hai to pehle vivek mar jata hai. We are going to come back and we are going to see the end of you. Mahua Maitra ji ka niskashan hua to kahin na kahin Mahua Maitra ji ka niskashan sare sansadon ke liye ek seekh hai. जब हम सांसद बनते हैं तो हम संविधान को लेकर शपथ लेते हैं कुछ नियमों के तहत हमें काम करना पड़ता है और हम सबको ज्ञात रह हो कि हम एक कांच के घर में हैं और सारे लोग हमें देख रहे हैं पूरा देश हमें देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए महुआ को समर्थन दे बाहरी ले सोनिया राहुल गांधी को निरवता बढ़ाला प्रश्न सांसद पदर महुआ को बहिष्कृत टीएमसी नेत्री महुआ कांग्रेस संसदीय दल सभापति सोनिया गांधी और अन्य विरोधी दल नेता संसदीय कार्य बाहरी आसते विरोधी सदस्य अभियोग कर अनैतिक आचरण पर महुआ को बहिष्कार करने गृह में भोट होता गृह में मत रखा सुजोग दि जा ना पर टीएमसी सांसद महुआ संसद बाहर गणमाध्यम को निजर प्रतिक्रिया एथिक्स कमिटी रिपोर्ट उपर प्रश्न उठाई अवसर सोनिया गांधी समर्थन करुवा देखा मिलता किंतु राहुल गांधी समग्र प्रसंगे नीरव रही अन्य पक्ष ममता बनर्जी कहते जे संसद में महुआ को कहार सुजोग दि जा ना राजनैतिक उद्देश्य रखी जड़े महिला जपरी अपमानित हेले गणतंत्र को हत्या कर पार्टी सहित अच्छी रहा एक संपूर्ण प्रतिशोध पुराण कार्य यह इंडिया मेंटो को एकाठी करिछि बोली ममता कहिछन्ति किंतु विभिन्न प्रसंगे इंडिया मेंटो विभाजित होइछि तेणु लोकसभा निर्वाचन पूर्व टीएमसी समेत अन्य दल केते एकाठी हेबे ताहा एबे मध्य बड़ प्रश्न अन्य पक्ष रे बहिष्कृत हेबा परे महुआ कहिछन्ति जे तांको 49 वर्ष से आगामी 30 वर्ष पई संसद भितर ओ बाहर युद्ध जारी रखिबे से कहिछन्ति जे 17तम लोकसभा प्रकृत रे ऐतिहासिक होइछि यह एक गृह जहां महिला संरक्षण बिल पास करिथिबा बेले 78 महिला सांसदों मध्य जनकु अन्यायर शिकार होबार देखिछि बोली से कहिछन्ति घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है उन्होंने तो इनकार नहीं किया है एंड शी हैज ट्रेवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस इधर से अगर समझो टोक्यो गए टोक्यो से कहाँ गई वो तो आंकड़ा नहीं है लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गए हैं और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ पार्टी फुल्ली सपोर्टिंग महुआ केस सी इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड सी इज बिलोंग्स टू वुमेन एंड यंग जेनरेशन एंड फॉर द ऑल द कम्युनिटी कास्ट क्रीड एंड एवरीथिंग सो हाउ दे बिट्रे And how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Nirbachana purvaru Mamatanko sangsada bahiskuta. TMC ra prashna BJP ku milila kon? Mamatanku kada jawab dela BJP. महुआ को बहिष्कृत संपर्क सूचना दे टीएमसी मुखपात्र कुनाल घोष कहते संसद नियम भंग कर बहिष्कार करजेपी कौन पाइला निर्वाचन को केते मास बाकी अच्छी जो मैंने
ସେମାନେ ଆଜି ଜିତିବେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ହାରିବ। ମହୁଆ ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣନଗର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିବେ। ମହୁଆଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ପରେ ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ମହୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ସଂସଦରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସଂସଦର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଂସଦକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମମତା ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କି? ବଙ୍ଗଳାର ଗରିବଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହୁଆଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସିରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହମତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ ବିନା ଟିଏମ୍ସିରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। समस्त नियम कानून भेंगे, समस्त रकम रीतिनीति भेंगे, गाजुआरी करे महुआ मैत्र तृणमूल सांसद तार सांसद पद खारिज करलो बीजेपी। आसले प्रतिहिंसा परायण जे राजनीति चलछे, कखनो टाका अटके दिए बैषम्य, कखनो सीबीआई ईडी एनआईए एगिए देया এজেন্সি দিয়ে হ্যারাসমেন্ট, আবার কখনো প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমন করার জন্য এই কাণ্ড, অর্থাৎ এইভাবে তাকে সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কার করা। সাংসদ রহনে কে বাদ সে ফার্স্ট টাইম ইয়ে জো মানে দেখা कि सांसद ने देश के बाहर में किसी को पासवर्ड दे देना, एक दिन में चार चार जगह से लॉग इन करना, ये जो देश का सुरक्षा का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बहुत सारा पूरा सांसद के ऊपर भी छवि भी खराब हो जाते हैं। हम लोग चाहते नहीं है कि एक सांसद ने जो अन्याय किया है उसके लिए सब सांसद का छवि खराब हो। ବିଜେପି ସାଂସଦ ରମେଶ ବିଧୁରୀ ବିଏସ୍ପି ସାଂସଦ ଦାନିଶ ଅଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ମହୁଆ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।